अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम का नाम है खाते पीते और ये शो आप देख सकते हैं 4 बजे से 5 बजे तक लाइव फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। और आज एक और टाइम इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि कुछ बिल्कुल अंदाजा नहीं, रोकने की कोशिश है लेकिन टाइम तो टाइम है। हमारी जगह कोई और होगा, कभी कोई कुकिंग शो कर रहा होगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप जो है ये शो देख सकते हैं। इसमें आप अपनी रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, साथ साथ आप लाइव कॉल कर सकते हैं। उसके लिए 02135879934 और 36 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा kp@zaikatv.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं। एंड फेसबुक का जो हमारा बड़ा फेमस ग्रुप होता जा रहा है खाते पीते का, जिसमें बड़े मजे मजे की भी कॉमेंट्स है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी, उसको भी आप ज्वाइन करके जो अगर आपकी रेसिपी मिस हो गई है या पुरानी आपको कोई रेसिपीज चाहिए तो उस पर अपलोडेड है। फोटोज वाले जो आइकॉन है उसको क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप जाके रेसिपीज जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कॉमेंट्स हैं जायका टीवी का जो FB पे पेज है उस पर, एंड ऑफकोर्स हमारे पेज पे, और जो बुरे वाले हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं किनका, हुसैन तारिक का। ओहो, देखिए क्या हाल है, वेरी वेल। अच्छा हुसैन, सबसे पहले रेसिपी से पहले ये जो खाते पीते का जो हमारा ग्रुप है नाजीन, इतना फेमस होता जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर अजीबो गरीब कुछ जो है मुस्लिमीन साहब की तबीयत खराब है, बहुत सख्त उनको जो है दवाई की सख्त जरूरत है, उनके लिए खास दवाई अगर भिजवानी हो तो बता दें, कुरियर के थ्रू भिजवा देंगे। एंड ऑफकोर्स बाकी जो प्यारे प्यारे, बल्कि अब मैं बता दूं हमारे दो ग्रुप्स हैं, एक में खाते पीते है खाली, एक में जो है वो मिशी खान इन खाते पीते लाए। अब इन दोनों के टोटल जो है मेंबर्स मिला के पता कितने हो गए, 500 प्लस हो गए। सो 3 महीने में 500, ब्रावो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एडमिरेशन। आपने कुछ कहना था मिस्टर मुस्लिम्स के बारे में? नहीं, बस आप अपने कमेंट्स अपने पास रखें और अगर आपने देने हैं तो थोड़ी जुबान अच्छी तरह इस्तेमाल करें और प्रोग्राम को देखें। अगर देख ही रहे मुझे लगता है तो थैंक यू। देख तो रहे, ये भी और वो वाला ग्रुप जो प्यारा वाला है, और ग्रुप हमारा बना हुआ वो भी देख रहे हैं। वी आर ऑल ग्रेटफुल कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद ना पसंद ही आपके अपने हाथ में। आप अपने हाथ में, ये बता दूं गुड और बैड पब्लिसिटी, बिलीव मी वी आर वेरी वेरी यूज्ड टू इट। पब्लिसिटी है, तो अगर आपने हमारे, ब्रावो, कीप अप द गुड वर्क, यू नो एवरीथिंग, उन्होंने कहा सक्स, यू नो डजंट मैटर। लेट्स स्टार्ट टुडेज रेसिपी। यस, व्हाट इज इट? ओके, आज हम बना रहे हैं पेनी पास्ता इन व्हाइट सॉस, पेनी पास्ता चिकन इन व्हाइट सॉस। उसके साथ हम बना रहे हैं चिकन जाल फ्रेजी, साथ हम बनाएंगे एक कॉकटेल जो है या मॉकटेल जो पीच और पाइनएप्पल के साथ बनाएंगे पीच और पाइनएप्पल के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चिकन जाल फ्रेजी बता देते हैं, फिर हम उसके पेनी पास्ता के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। आज गोरा खाना बनता तो अगर आप, जितने लोगों ने पास्ता की जो फरमाइश की थी आज पास्ता बन रहा है, और साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं और अपनी और फरमाइश भी दे सकते हैं 02135879934। अच्छा, ये देखिए मिस्त्री चढ़ाएंगे, इसमें सिर्फ हम चिकन चढ़ा रहे हैं। Okay. अच्छा, ये सारी चीजें जितनी भी है नाजी, जैसे जाल फ्रेजी हो गई, मंचूरियन हो गई, और आपकी ये चिकन जिंजर हो गई, उसमें बेहतर ही होता है कि आप चिकन को पहले पका लें या अपने सौते कर लें, बिकॉज चिकन अगर सब्जी के साथ पकेगी तो चिकन जो है वो जल्दी या थोड़ी देर में पकती है तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो बेहतर है आप चिकन को पहले सौते कर लें, फिर जिसका हम इंग्रेडिएंट्स बताएंगे वो हम मिक्स करेंगे, जाल फ्रेजी तैयार होगी। अगेन ये 10 मिनट की डिश है। आपने देखा मैं अपना जो वुडू जो है मैजिक करूं। ओके, मुझे तेल दे दो, तेल ले लें। हमने इसमें तकरीबन 1/2 कप तेल डाला है, आपके ऊपर है, आप इसे कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने ऑलिव ऑयल डालना है तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें हमने ये लहसुन है, तकरीबन 4-5 जवे लहसुन के हैं, ये हमने डालने हैं। जाल फ्रेजी की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, अब मेरी मिशी से रिक्वेस्ट है कि डालमेशियंस की बुक जल्दी आ जानी चाहिए वापस से खाते पीते का सेट। डालमेशियंस की जो 2 कॉपीज हो गई हैं, आपको क्या पता वो आ जाएगी। आप इस तरह बनाएं और ये देखें, ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 1 किलो के करीब है। हमने इसके वो चर्बी वगैरह साफ करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अगर आप चाहें तो जाल फ्रेजी के थोड़े मोटे पीसेस भी कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा क्लब्स वगैरह में जाल फ्रेजी ऑर्डर होती है तो पीस जो होता है वो थोड़ा फ्लैटेंड होता है, इसको आप बट्टा मार के थोड़ा फ्लैट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुशीबा जी, क्या हाल है? मैं जी ठीक ठाक, कौन बोल रहे? अनवर बात कर रहा हूँ फैजाबाजी के घर से। अनवर बात करें फैजाबाजी के घर से जी? फायदा आपका? हाँ। अच्छा अच्छा, कैसे हैं? खैरियत है? टीवी का वॉल्यूम हल्का कर देंगे और ठीक है? जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खैरियत से सब ठीक ठाक है?
शुक्र अल्लाह। अच्छा कोई इजी डिश है बनाना सिखाए ना प्लीज। सिंधी डिश है जी? सिंधी डिश है जो जल्दी बन जाए। क्या कह रहे? जो जल्दी बन जाए। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, थोड़ा सा जोर से, और टीवी का वॉल्यूम स्लो करके जरा जोर से बोलें। टीवी का वॉल्यूम स्लो नहीं होगा। हेलो देखें मैं आपको पहले से बता दूं, इट्स नथिंग, वो ऐसी बात नहीं है। आप सबकी कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट टीवी का वॉल्यूम आस्ता कर दें क्योंकि वो ड्रॉप हो जाती है कॉल फिर आपका। देखें ना, मुझे अब अफसोस है इस बात का। चिकन जाल फिरेजी, फिरेजी क्यों लिखा आपने? और अच्छा, इसमें हम हसबे जरूरत नमक डालेंगे, डाले डाले और ये बस हमने इसको सौते करना है, और इसमें कुछ भी नहीं डाला अभी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लहसुन। लहसुन में चिकन को सौते किया हुआ है और नमक हमने हसबे जरूरत नमक डाला है। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे आपके सामने, और ये कुछ शायद दो मिनट में ही बन जाएगी आज। दो मिनट फिर आप पाँच मिनट। अच्छा ठीक है, आज दिन पाँच मिनट में बनेगी। अब हम देखिए नाजरीन, क्योंकि अब हमें वो रेसिपी का पढ़ने का शायद आजकल टाइम नहीं मिलता। थोड़ा सा घी डाला है हमने, तेल डाला है, इसको थोड़ा गरम करेंगे, थोड़ा गरम होने दें। ओके और नाजरीन आप कॉल कर सकते हैं 02135879934 और 36 पे। शुक्रिया। और हाँ, बात हो रही थी, एक ने कहा कि हम लोग जो है बॉलीवुड की ज्यादा डायलॉग बोलते हैं, तो बात सुने, पाकिस्तानी फिल्मों के डायलॉग याद नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे थे, इरम भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज ऊंचा करते स्पीकर जरा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है मिशी? फाइन थैंक यू, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल खैरियत से थैंक यू, आप सुनाइए। और हुसैन भाई ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक इरम। तो हुसैन भाई आप बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच इरम, थैंक यू। ये हुसैन भाई मैंने वो दिन चिकन पैटी देखे थे, वो बर्गर बनाए थे ना आपने? जी जी। हाँ, तो वो मैं पूछ रही थी कि वो उसका आप जरा बता दें मुझे कि चिकन पैटी कैसे बनाए थे। अच्छा, जो जो बताया मैंने सारा देख लिया था, ये मुझसे मिस हो गया था। अच्छा ओके, तो ये और एक म्यूनिस वाली आपने वो बनाई थी मक्खन डाल के, म्यूनिस और एक और चीज वो मिस हो गई थी। अच्छा, वो दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ अभी। बिल्कुल। अच्छा चैलेंज, थैंक यू सो मच। हाँ जी नजर जो है ना, बहुत शुक्रिया आपका है, एक जगह सैलाब आ गया है इधर। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, ये बता नहीं नाजीन सोचेंगे हुआ क्या। नाजीन एक पानी का जग था जो कि यूं करके जो हुआ स्प्लैशी हुआ। अच्छा अब इसमें हम गलती हो गई, हमने तेल में प्याज को, ये दो प्याज हैं तकरीबन छोटे साइज की चॉप हुई है, ये हमने प्याज डाली है, इसको हल्का सा गोल्डन किया है, हल्का सा गोल्डन हो रहा है अभी। नहीं नहीं आसिफ भाई आज नहीं जाते ब्रेक पे। ये हमने दो चम्मच चिली पेस्ट डाला है और आधा कप टोमेटो पेस्ट डाला है। मिशी तुम ब्रेक ले। नहीं नहीं बस ये टोमेटो डाल लें अभी। नाजिम तीन इंग्रेडिएंट्स डले उसमें, तो डोंट वरी जैसे वापस आते हैं जरा आग देखें। आग दीदी आग ले ली। चलते हैं नाजी क्विक से ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत कॉल करने वाले, तो आपने कहीं नहीं जाना, और सरप्राइज है, बताऊंगी कौन कॉल करने वाले हैं। चलते हैं क्विक सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। नाजीम वापस आ चुके हैं हम लोग, और इस वक्त यहाँ पे बहुत मजेदार जो इस वक्त वो नहीं होता स्पाइसी खांसी आ रही है माशाल्लाह से, और आप देख रहे हैं सॉस जो है जाल फ्रेजी का वो बन चुका है ऑलमोस्ट, ये ब्रेक में हुआ सारा कमाल। इसमें हमने नाजरीन हमने सिर्फ तेल में प्याज को सौते किया था, फिर हमने टोमेटो प्यूरी डाली थी या टोमेटो पेस्ट, दोनों चीज़ों में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और हमने दो चम्मच टेबल स्पून भर के चिली पेस्ट डाला था। अगर चिली पेस्ट नहीं है तो आप जो तलहाल मिर्च होती है कश्मीरी मिर्च होती है उसको उबाल के पीस लें, चिली पेस्ट बन जाता है। और वो जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं? वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पड़ता पेस्ट ही है। अच्छा, ये हमने नमक डाला और ये थोड़ी सी काली मिर्च डाली। अच्छा, अब ये चिकन जो है हमारी, मैं आपको चमचा दे देती हूँ, ये चिकन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, और ये हम थोड़ी पक गई है, ये हमने चिकन इसमें मिला दी। अजीर आप कॉल कर सकते हैं साथ साथ और कुछ ना करें सिर्फ कॉल करें 02135879934 एंड 5।
शिमला मिर्च भी है। ये शिमला मिर्च है, तकरीबन 3 शिमला मिर्च है। इनके बीच निकले में हमने थोड़े से चिकन से घी ले लिया था, वो हमने थोड़ी सी सौते करी है, वैसे भी डाल सकते थे, हमने सौते करके डाली है। ये सौते किया है ऊपर से, ये ऊपर से हमने ये थोड़ी सी अदरक है हमारे पास कटी हुई, ये हमने अदरक डाली है। ये कटी हुई हरी मिर्च है, ये हमने ऊपर से डाली है, और थोड़ा सा ये लेमन जूस है। अब आ सकते हैं आगे, वैसे थोड़ा सा ये लेमन जूस है रमजान की वजह से। और नाजरीन ये आपकी जाल फ्रेजी तैयार है, तैयार हो गई। और ये सर्व भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के साथ होगी। और आपको भी बता दूं कि चले इंडियन का डायलॉग करते हैं, फिर पाकिस्तानी का करते हैं, चले पाकिस्तानी अम्मा में बी में पास हो गया। मैं नहीं नहीं अम्मा अम्मा में बी नहीं, वो नहीं, आप बन जाए नूरी नाथ, मैं बन जाती हूँ सुल्तान भाई। डायलॉग नाजीन याद नहीं है, थैंक यू। डायलॉग याद नहीं है उसे कहते हैं, हमें बता दें डायलॉग पाकिस्तानी फिल्म। आप प्लीज हमें अपडेट कर दें कि आप ज्यादा पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं, ताकि हम उसी डायलॉग के मुताबिक। अच्छा, अब इसकी गेप बन गई है, इसको हम 2 मिनट दम पे रखेंगे और फिर इसको डिश आउट कर देंगे, सर्व कर देंगे। दूसरी चीज हम बना रहे हैं और कॉल, दूसरी चीज बनाने से पहले कॉल ले लें। हाँ ले लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? मरियम बात कर रही हूँ, मलीर कैंट से। जी मरियम, मलीर कैंट से। मलीर कैंट से मरियम, क्या हाल है मरियम आपके? आपने पहचान लिया या नहीं पहचाना मुझे? पहचाना मैंने, मैं किसी जमाने में आपकी रेगुलर कॉलर थी, लेट नाइट शो में, अगर आपको याद हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे अब याद आ गया, मलीर से। बिल्कुल खैरियत से आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक। मैंने हुसैन भाई से एक फरमाइश करनी थी। करेंगे, करेंगे। पराठे बनाना सिखाए। क्या चीज? क्या? फ्रोजन पराठे। फ्रोजन पराठे, फ्रोजन पराठे। हाँ अच्छा, ओके ओके ठीक है, डेफिनेटली ओके, थैंक यू सो मच, बाबा शुक्रिया। नाजरीन वो भी साइड के शरबत की जरूरत है, याद है बाबा जी होते थे साइड में, और वो कहते थे खांस 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 के पीते थे, फिर एकदम से यूं करते थे। अच्छा अब हम कर रहे हैं व्हाइट सॉस, बड़ा आसान सा तरीका है नाजरीन व्हाइट सॉस बनाने का। ये देखी चाहिए आपको? हाँ ये तुम हटा दो। ओके बॉस, अच्छा मुझे लग रहा है मैं कोई और हूँ आज। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, नहीं बता दे। नहीं नहीं बता नहीं सकते। नहीं नहीं बता, नहीं नहीं अभी नहीं। मैं आप नहीं बता। अच्छा नहीं अभी नहीं बता। अच्छा ये हम 4 चम्मच टेबलस्पून बटरू के, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं और 4 भी डाल सकते हैं, ये कोई कैद नहीं है कि आप कितना डालेंगे, हमने काफी मक्खन डाल लिया है। नाजी वैसे मक्खन लगाते भी बड़ा अच्छा है, क्या बताऊँ आपको है? अच्छा ये मक्खन हमने थोड़ा सा मक्खन लगाते भी हैं और मक्खन खाते भी हैं। अजीन लेकिन बिला वजह का मक्खन ना लगाया करे लोगों को, खाम खामे बटरिंग जो होती है। ये हमने थोड़ा सा मक्खन को सौते किया, ये हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं, इसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून ये मैदे को भूनेंगे। सारे को डाल, चलो सादा डाल, सारा सादा ये मैदे को भूनेंगे। अच्छा व्हाइट सॉस की पहचान ये होती है कि जब आप दूध मिलाएंगे व्हाइट सॉस में, व्हाइट सॉस को दूध मिलाएंगे तो हमेशा चूल्हे से देगची को उतार लिया करें और फिर थोड़ा सी देर वेट करें और फिर दूध ऐड करें, बिकॉज वरना ये सही नहीं होता है, प्रोसीजर ऐसा ही होता है। ये आज के यहाँ से इंग्रेडिएंट्स जो है इतने अमेजिंग है, पीच भी है साथ में, ये आपके मक्खन आपका नाजीन भुन गया है, इसको हमने उतारना है चूल्हे से। हो गया ये? हाँ ये हो गया, थोड़ा सा और ठीक कह रही है, एक कॉल ले लेते हैं जब तक। हेलो कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मैं उज़्मा बात कर रही हूँ। उज़्मा फ्रॉम कराची, लाहौर से। लाहौर से उज़्मा, क्या हाल है उज़्मा आपके? करेला का आप मैंने पर्सनली कॉल की थी आपके प्रोग्राम में, याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। हाँ जी, और आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, रियली बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो दरअसल एक्चुअली हमारी ना आज लाइट चली गई थी। ओहो, तो हुसैन भाई से बात कराएंगे प्लीज? करे करे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक उज़्मा, आप लोगों की दुआ। हुसैन भाई हमारी ना लाइट चली गई थी आज, तो अभी आइए तो वो मैं आपसे, आपका मिस हो गया चिकन जैल फ्रेजी जो आपने बनाई थी ना। बिल्कुल जी, अभी बनाई वो मैं देख नहीं सकी, तो आप प्लीज उसका रिकैप कर देंगे एक दफा? अच्छा मैं रिकैप कर, हमारी लाइट बिल्कुल मैं रिकैप करने की कोशिश करता हूँ, प्रोग्राम का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है लेकिन मैं करने की जरूर कोशिश करता हूँ, बहुत आसान है, 2 मिनट बन गई है। शक्ल सी माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है देखने में ना,
तो वो अभी लाइट आई है तो इस वजह से मैं देख नहीं पाई। इंशाल्लाह रात को रिपीट होगा ना जब मैं इंशाल्लाह देखूंगी। लेकिन आप प्लीज एक दफा अगर टाइम मिलेगा तो रिकैप कर दीजिएगा उसका। बिल्कुल 100%। और माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग, जबरदस्त कुकिंग कर रहे हैं और डेली मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। कामों से फारिग होकर ना बैठ जाती हूँ टीवी के सामने ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ जी ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। या जी आप अपना भी ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग खाते पीते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ले, अब एक ब्रेक लेंगे। हाँ, अभी देखती के साथ साथ मैं अपनी प्रमोशन भी जारी है होती है। तो अजय वो क्या बात थी मुझे अब दिमाग में बस नहीं बताता हूँ। चले इसी बहाने नाजरीन जल्दी से ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप कहीं में जाइएगा, इम्पोर्टेंट शख्सियत कौन है कॉल करने वाले हैं वो भी, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना। कॉल नहीं कह रही, वापस आ रहे हैं। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। नाजीर वापस आ गए, टॉप शॉर्ट से आए। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं और हसैन बैठे हुए हैं। मैम एक दफा और भी बैठे थे, एक दफा और बैठे थे। इसे गुफ्तगू शदीद हमारी हो रही है, बड़ी शदीद किस्म की। और सो सॉरी जिनकी कॉल आनी थी, ब्रेक में कॉल आ चुकी क्योंकि उनको और भी काम थे। नाम उनका है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन ये ब्रेक में उन्होंने कॉल की। सो सॉरी आप तक नहीं पहुंच सकी, वो टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया था। बट ये थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए। इतना प्यारा कैमरा था, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं जीरो पे, ग्राउंड जीरो पे। सो बड़ा अच्छा काम वो भी कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आपको उनको फुल सपोर्ट देनी चाहिए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब हम कर रहे हैं व्हाइट सॉस बना रहे हैं। हमने व्हाइट सॉस के लिए खाली दूध, मक्खन और मैदे को थोड़ा सा भूना था। दूध ठंड हमने देखी हटाई थी और हमने दूध ऐड किया था, तकरीबन एक लीटर थोड़ा रह गया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और काली मिर्च, मिशी काली मिर्च, काली मिर्च, ये काली मिर्च है, पुटी भीनी पुसी, भीनी पुसी काली, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा ये है पेनी पास्ता, पास्ता उठा दो मशीन में दिखा दो। ये वाला जो बेसिक है, ये वाला जो पास्ता होता है ये पेनी पास्ता होता है। ये है इस तरह से होता है, ये बाजार में आप पेनी पास्ता मांगेंगे, ये पेनी पास्ता आपको बाजार वाले दे देंगे। हमने अलग से चिकन में थोड़ा सा तकरीबन 50 ग्राम मक्खन डाला है और चिकन को अलग से सौते किया है, फिर हम ये पास्ता में मिला देंगे। ये चिकन ऑलमोस्ट हो गई है, इसमें थोड़ा सा सीजनिंग के लिए नमक डाल देते हैं, वरना हमने उसमें व्हाइट सॉस में भी नमक डाला हुआ है। अच्छा वो कोई ड्रिंक श्रिंक बनानी है? हाँ ड्रिंक श्रिंक बनानी है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, और कॉल भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? फाइन देगी, कौन बोल रही है? नाजिया फ्रॉम उकाड़ा। राफिया फ्रॉम कराची? नाजिया। नाजिया फ्रॉम कराची, फ्रॉम उकाड़ा। उकाड़ा, सो सॉरी। क्या हाल है नाजिया आपके? उकाड़ा कैसे है? उकाड़ा बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत है, हाँ पूरे पाकिस्तान में गर्मी है वैसे इस वक्त। और आप ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। चाट के देखना, चिकन रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। अरे लवली, कितनी जल्दी बनी है नाजिया जी, कितनी जल्दी बन गई है? नहीं जितनी में अच्छी लग रही है ना। चलें जी, थैंक यू सो मच। और अच्छा मैंने ना अंकल आपसे पूछना था, चेडर चीज, मोजरेला चीज और कॉटेज चीज, इनमें फर्क क्या होता है? कॉटेज चीज जो है वो जी आपने रेगुलर दूध की बनती है और आप घर में भी बना सकते हैं, फैट फ्री होती है कॉटेज चीज। नहीं एक्चुअली मैं पूछना चाह रही था, हम ये तीनों टाइप बनाना चाहें घर पे, तो नहीं आप कॉटेज चीज तो घर में बन सकती है। अच्छा। वो दूध का सारा वो पानी निकाल के वो मलमल के कपड़े में रात भर रखते हैं, लेकिन चेडर चीज और मोजरेला चीज घर में नहीं बन सकती, वो प्रोसेस्ड होती है और मशीनों के अंदर बनती है। अच्छा अच्छा ठीक है, बस मैंने यही पूछना था कि क्या डिफरेंस क्या है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच नाजिया। और कुछ कहेंगी? नाजिया चली गई। अच्छा अब इसमें हमने ये तकरीबन ये एक ब्रेस्ट है या डेढ़ ब्रेस्ट है चिकन का, उसके हमने ये छोटे पीसेस किए हुए, ये हमने मक्खन में सौते किए थे, ये हमने इसमें मिला दिए। नाजिन मजा आ रहा है ना, रोजे सबको लग रहे होंगे इस वक्त ये देख। अब ये पेनी पास्ता है, ये भी हमने इसमें मिला दिया। ग्रेट, ये तकरीबन एक पैकेट है, आप आधा पैकेट भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी अपनी मर्जी है। बट ये कि ज्यादा बना लें तो ज्यादा बेहतर है, सही है ना? एक घर में छह लोग तो होते ही है कम से कम। देखिए कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना। बिल्कुल कम नहीं। ये मशरूम्स हैं जो टिन में मशरूम्स मिलते हैं, ये वो टिन वाले मशरूम्स हैं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि इसको हम ओवन में कर दें, ताकि ये अब फाइनली हमने ये एक कप क्रीम है, ये क्रीम हम तकरीबन आधा कप क्रीम में लाएंगे और हम इसको स्टर करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और डालेंगे और एक कैसरोल में हम इसको डाल देंगे। ये डिश हर घर में होती है, कोई और डिश की भी शर्त नहीं है।
इसको वो बटरिंग तो नहीं करनी? नहीं, अब इसमें थोड़ा सा इसको पकाएंगे, थोड़ा सा इसको क्रीम का ताकि टेस्ट आ जाए। डाल लेते हैं। मार्गरीन, मैं ये जब कैसेरोल का ये डिश अवन में डालूंगा, हमने अवन को ऑलरेडी 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट किया हुआ है, जब मैं ये डालूंगा तो फिर मैं उनको जालफ्रेजी की तरकीब भी बता दूंगा। ये हमने डालना है। ब्रावो, वेरी नाइस, पूरा डाल दें, सब कुछ है? हाँ, सब कुछ है। ओके, अब आपके ऊपर है ये चेडर चीज है। अगर किसी के घर में अवन नहीं है तो ये चीज आप इसमें मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं। अगर अवन है तो ये आपको इसको थोड़ा सा ना ब्राउन करना है अवन के अंदर, ये बहुत मजे की लगती है। ये चेडर चीज है, सारी डाल दें? हाँ, सारी डालूंगा। और ये मोज़रेला चीज है। अगर मोज़रेला थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, कॉल ले लो। ठीक है, कॉल भी ले लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, निशी खान, क्या हाल है? मैं जी ठीक ठाक, कौन बोल रही है? मैं सामिया लाहौर से बोल रही हूँ। सामिया फ्रॉम लाहौर, खैरियत से आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हसैन भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक हसैन भाई, आप दोनों की बस बहुत तारीफ करनी थी। थैंक यू सो मच, किया था। थैंक यू, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आता है आप लोगों का प्रोग्राम देखे, तो रेसिपी बहुत अच्छी होती है, और दूसरा ये कि हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं माशाल्लाह, तो वो दिल बहल जाते हैं। अच्छा, ओके। यही हमारा एक्चुअली मतलब भी है कि गम इतने सख्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, कि एक घंटे के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना रिलीफ फैक्टर पहुंचाएं तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच, आप तो हैं ही बहुत प्यारी माशाल्लाह, और आपका प्रोग्राम देखे तो बहुत खुशी होती है, इसी तरह आती रहें बस प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई रिक्वेस्ट है आपकी? माफ कीजिएगा, चली गई, किधर चली गई? अच्छा अच्छा, ब्रेक के बाद ये हमने अवन में कॉल आई थी, हम बात कर रहे थे, हमने अवन में 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट किया हुआ है, वो कैसेरोल रख दिया 10 मिनट के लिए, सिर्फ हमें चीज को थोड़ा सा हल्का सा उसको कलर देना है, फिर हम निकाल लेंगे, ऊपर से पास्ते गार्निश करेंगे। हमारी व्हाइट सॉस पेरी पास्ता तैयार है। ओवर टू यू मिशी। ओवर टू मी। और टेक ऑफ करने वाला जहाज एक्चुअली क्रूजिंग पे है, लेकिन आप जो है अभी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो पीच की एक अमेजिंग सी ड्रिंक है, जो कि आजकल पीचेस बड़े अच्छे मिल रहे हैं, और उसका आप बना सकते हैं ड्रिंक, और ऊपर देखें। हेलो हाय, और चलते क्विक से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून टू खाते पीते, वी विल बी राइट बैक। जाएगा सीधा ए क्यू क्यू, सॉरी दादी, मैं एम चेक कर रही थी, डस्टबिन में पहुंच चुके, थोड़ा सा गिर गया साइड पे, और वापस आ गए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खाते पीते, जॉलफेजी इज ऑल्सो रेडी, पेने पास्ता जो है वो इन दी अवन है, इसका बेक हो रहा है, और ड्रिंक बता दें आज क्या अच्छा, नाम है इसका? आज हम बना रहे हैं पीच एंड पाइनएप्पल मॉकटेल। इसमें हम सिर्फ पीचेस हैं जो आजकल बहुत फ्रेश आए हुए हैं वो हमने मिलाए हैं, तकरीबन दो छील कर, इसी वो डालो तो हम बता दें। ओके, ये दो पीचेस हैं, दो पीचेस हैं। अच्छा, इसके साथ हमें बर्फ भी चाहिए होगी, हमें बर्फ मंगा दें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है पाइनएप्पल टिन में, आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, हर जगह मिलते हैं, ये टिन पाइनएप्पल है, एक टिन है तकरीबन, ये मिला दें आप, या हाफ टिन है। ये भी डाल, जरूरत पानी मिलाएंगे अभी, जरूरत पानी मिला देते हैं। ओके, बस। अच्छा, अब इसमें हम तकरीबन दो से तीन टेबलस्पून, बिकॉज ये पीचेस भी कभी बड़े तुर्श होते हैं और पाइनएप्पल भी कभी तुर्श होता है, बस सही है। हाँ, काफी है, काफी। और है। ये लेमन जूस है, लेमन जूस है, और एक लेमन का जूस है निकला हुआ है, और अब इसको चलाएंगे। और ये अभी बाद में गार्निश के लिए पुदीना है। ओ, कितना अच्छा है इसका वो पल्प है। इतना मजे का नाजी में लग रहा है, आप लोगों को रोजा लग रहा होगा, हम सबको यहाँ पे लग रहा है, बट ये चंद ही लम्हात में जो है सारी हो जाएगी। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं सारी के लिए, और मेरा लाइफ एरिक समथिंग कॉल ले लो, सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशी साहिबा, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपकी? आप साहब खैरियत से? अल्लाह का करम, आपने तो ऐसा प्यारा जूस भी सब बनाया है, यकीन करे वाकई रोजा लग रहा है। तो मुंह में पानी भी आ रहा है, क्योंकि इसमें आड़ू डाले हैं आपने, खट्टे खट्टे पाइनएप्पल। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हसन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आबिद भाई सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।
मैंने कहा रमजान की मुबारक भी दे दो। आपको भी रमजान मुबारक। आप कहाँ गायब हो गए थे? जी जी आप गायब हो गए थे बिल्कुल सीन से। नहीं नहीं रमजान असल में रमजानों में आते ना ऑफिस से लेट। अच्छा ओके ओके। अच्छा आपसे ये कह रहे हैं कि पफ पेस्ट्री और मोजरीला चीज सिखाएं। अच्छा अच्छा पफ पेस्ट्री तो मैं बता रहा हूँ आप मेहंदी भाई इतनी अच्छी बना चुके हैं, चार पांच दफा बना चुके हैं प्रोग्राम में। बच्चे जा रहे थे आपके प्रोग्राम क्योंकि देख रहे हैं बाकी ट्यूशन पे गए होते हैं। अच्छा ओके और हम इंशाल्लाह लेकिन मोजरेला चीज जो है वो मशीन पे बनती है और प्रोसेस्ड बनती है तो वो हम यहाँ नहीं बना सकते, कॉटेज चीज बनाना सिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा मिजी साहब बच्चों की तरफ से और फुलाने की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, पूरी टीम को सलाम, रमजान मुबारक। बहुत बहुत आपको भी खैर मुबारक और फरजाना को, मेहरोज और जुबिया को बहुत बहुत प्यार और दुआ। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, सच अ लवली कॉलर। आप साहब हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं। ये हमने रेगुलर कॉलर माशाल्लाह नजर नहीं लगनी चाहिए। हमने इन पे हमने ये अब ये सर्व कर रहे हैं और अब हमने इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून मक्खन डाला है। अमीशी वो ये इसमें रुक सकती हो तुम? जी जी अभी कितना खूबसूरत सवाल था इनका, आई लव इट। और ये सॉरी ये हो गई है। अच्छा मैं हमारे पास टाइम है तो मैं तरकीब बता दूं जालफेजी की। टाइम हमारे पास है नाजिन, आप सीख लें तरकीब जालफेजी की। अच्छा और ये जो पराठे के साथ सर्व कर रहे हैं पराठे थोड़े गर्म कर लें, पराठे इसमें गर्म कर लेते हैं। अच्छा पराठे बने हुए हैं। उनकी रिक्वेस्ट थी जालफेजी की तरकीब पूछने के लिए, आप समझ लें जालफेजी बहुत आसान है। तकरीबन एक किलो बोनलेस आपके ऊपर है, आप एक किलो से कम भी ले लें। उसके छोटे छोटे टुकड़े करा लिए आपने, वो आपने अलग रख ली, उसको आपने तेल में सॉरी एक सेकेंड। हाँ अच्छा अब आप कर लें। तेल में हमने लहसुन को सौते किया है और हमने हल्का सा नमक डाला है चिकन में और हमने चिकन को पका लिया, यानी चिकन का पानी खुश कर लिया। अलग से हमने तेल में हल्का सा तेल लिया एक टेबलस्पून दो टेबलस्पून, उसमें हमने दो प्याज को चॉप करके प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है, जरूरी भी नहीं हल्का सा सुनहरी कर लें। फिर हमने उसमें एक कप टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी डाली है और उसके साथ हमने दो टेबलस्पून चिली पेस्ट डाला। अगर चिली पेस्ट नहीं है तो तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च को पीस कर उबाल लें, उबाल के पीस लें। वो हमने वो मिलाई है, हमने फिर साथ चिकन डाल दी। अलग से हमने बेल पेपर्स जो होते हैं कश्मीरी मिर्च जो होती है वो आपकी शिमला मिर्च जो होती है वो हमने अलग से तकरीबन तीन को काट के डाला हुआ, ऊपर से चॉप्ड हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च, नींबू, अदरक, दैट्स इट। लवली। और ये आप सर्व कर रहे हैं चकोर पराठों के साथ। चकोर पराठों के मैंने गरम कर लिए पराठे, इनको जरा अच्छी तरह सर्व अभी डिस्प्ले में कर लेंगे। अब ये भी छारे हो गए हैं एंड पाइन एप्पल मॉकटेल है दैट्स रेडी एज वेल। इसमें ये भी काइंड ऑफ बर्फ ऐड की है, ये भी हो रही है। वाओ ये देखिए नाजरीन जरा इसका पल्प देखें कितना मजे का ये। इसमें अगर आप ज्यादा पानी मिलाएंगे तो वो भी हो सकता है, वरना इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ भी बहुत मजे का लगता है। पीच और पाइन एप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है। लीथल है और नाजरीन मॉकटेल है ख्याल करें। अच्छा ये कॉल भी है। हेलो सलामकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं हैदराबाद से मिसेस फरहान बोल रही हूँ। मिसेस फरहान क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मिसी आप कैसी हैं? बस अलग फजल थैंक यू जी। और ये हुसैन बहुत अच्छा बना रहे हैं। नहीं नहीं मिसेस फरहान, मिसेस फरहान आपका नाम मुनीबा है ना? जी वो मेरी बेटी है। बेटी है आपकी? बेटी है। अच्छा किसकी? मिसेस फरहान की बेटी है। अच्छा मिसेस फरहान की बेटी, कैसी हैं आप? सब खैरियत है? जी जी अल्लाह का शुक्र है। लवली क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया बाबा जान, थैंक यू आदाब अर्ज़ है। और इसके अलावा लगता नहीं था कि आप खाने पकाने की तरफ भी है आपका रुझान है। मैं भी इनके साथ जरा ट्रेनिंग हासिल कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हुसैन अच्छा बना रहे हैं बहुत। थैंक यू सो मच जी। और काफी अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। और आप देखती रहें। और कोई फरमाइश करेंगी आप? अब आप पिज्जा अभी तक नहीं बनाया शायद इन्होंने, पिज्जा बनाना सिखा दें जी। और जी आपकी तरफ हैदराबाद में ये सैलाब का जो हालात हुए हैं वो कुछ बेहतरी आई है? नहीं आजकल बल्कि अब ज्यादा खतरा है एक दो दिन। अच्छा ओके, अल्लाह बेहतर करेगा, हिफाजत में रखे आप सब लोगों को। वाकई में हमारी सबकी दुआएं आपके साथ, दुआएं चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस। तो आपको पिज्जा जरूर बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दैट्स लवली यार, अल्लाह ताला सबको अपने जुमान में रखे। इस वक्त नाजीन ब्रेक पे जाना है क्या? नहीं अभी हम निकाल लेते हैं। नाजीन अभी गए हैं ये? नहीं अच्छा, नहीं पहले आप देखे तो सही होता क्या है। अच्छा ये अभी तो 15 मिनट, एक नीचे वो मैट रख दो ब्यूटीफुल, ये देखें
नहीं हम उधर रख दो ना। अरे एक सेकंड, ये लटके हुए ना मैं, मेरे हाथ जल जाएंगे, एक सेकंड। आई एम सॉरी। ये हमने हल्का सा ब्राउन करना था, इसकी शक्ल दिखा देंगे आसिफ भाई। ये हमने ऊपर से ये कटी हुई पासले, पासले नहीं मिले आपके पास तो प्लीज धनिया तो होता ही है, धनिया डाल दें, वरना पासले की टेस्ट और खुशबू अलग होती है। ठीक है नाजीन, अब वक्त हो गया ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सारा कुछ आप रेडी देखेंगे। तो लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, यू वॉचिंग खाते पीते, आके लास्ट कॉल लेंगे, सो टेक अ ब्रेक। वापस हाजी वापस आ चुके हैं और सारा कुछ रेडी हो गया है, अब आप देख भी सकते हैं। हुसैन ने आज जो जालफ्रेजी है, चिकन जालफ्रेजी है, साथ में पेनी पास्ता है, बेक्ड है, और ये जो जालफ्रेजी है ये सर्व कर रहे हैं पराठे के साथ, और पीच एंड पाइनएप्पल मॉकटेल बनी है, ये भी आप देख सकते हैं। साथ में इसको थोड़ा सा हाइट वाइट दे देते हैं ताकि इससे थोड़ा सा बीवीटी आ जाए, बीवीटी। अब जरा काम तमाम हो रहा है। अच्छा आपने रीकैप कुछ कर रहे हैं तो हुसैन बता दें। अच्छा रीकैप में हम जालफ्रेजी तो रीकैप कर चुके हैं, एक और रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास पैटी की, चिकन पैटी की, तो हम आपने आधा किलो कीमा लेना है, आधा किलो कीमा लेना है चिकन का, और उसको हमने आधे को हमने खाली सोया सॉस के साथ उसको आपने पका लिया है, कुछ डाले बगैर, नमक काली मिर्च डालना चाहे तो डाल दें, डालना चाहे नमक काली मिर्च डालना चाहे तो डाल दें, सोया सॉस के साथ पका लिया और आधा कच्चा रखा है। आधा कच्चा रखने के बाद हमने दोनों कीमों को फिर यकजा करना है, आधा कच्चा आधा पक्का, और उसमें तकरीबन 3-4 टोस्ट डाल लें, एक या दो अंडे सफेदी, एक अंडे की सफेदी भी काफी होगी, नमक काली मिर्च सोया सॉस डालें, मस्टर्ड पाउडर डालें, फिर हमने सब चीजों को मिलाना है, और एक सांचा अगर आपके पास है, एक सांचा मिलता है, वरना हाथ से उसकी पैटी बनानी है। अलग से आपने मेयोनेज क्रीम और काली मिर्च फ्रेश क्रीम मेयोनेज और मस्टर्ड पेस्ट को घोलना है। हमने एक बन को बीच में से काटना है, अगर कटा हुआ बन है सेसमी सीड का तो कटा हुआ बन ले लें, बीच में से काट के उसको सेकना है, फिर हमने वो लगाना है जो पेस्ट है मेयोनेज क्रीम और मस्टर्ड पेस्ट का, और हमने वो लगाना है, और एक जगह आपने दूध गर्म कर लेना है और वो बन पे हल्का सा लगाना है, उससे बन बहुत सॉफ्ट रहता है। फिर आपने सलाद का पत्ता या ग्रीन लेटस अगर आपके पास है वरना सलाद का पत्ता लगाएं, वो पैटी का साइज थोड़ा बड़ा रखें, थोड़ा बन से बाहर निकलना चाहिए, वो पैटी तलने के बाद वो पैटी रखें, ऊपर बन करें, उसको दबाएं और बीच में से काट दें। चिकन पैटी बर्गर है, चिकन पैटी के लिए पहचान ये है कि आधा पक्का और आधा कच्चा कीमा होता है, तो पैटी हमेशा बहुत अच्छी बनती है। लवली, वेरी नाइस, कुछ ज्यादा ही आज डेकोरेशन हो गई है। नहीं अच्छा लग रहा है। रेसिपीज और भूलिए रेसिपीज लगने वाली हैं, पेन पेपर और पेंसिल ले लें और आप नोट डाउन कर लें। पास्ता उबले हुए एक पैकेट, मुर्गी का गोश्त बगैर हड्डी का आधा किलो, मैदा 4-6 खाने के चम्मच, दूध 1 लीटर, मक्खन 150 ग्राम, नमक हसबे जायका, क्रीम 1 कप, पास्ले बारीक कटा हुआ 1 गड्डी, मशरूम स्लाइस 1 टिन, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, मोजरेला चीज 250 ग्राम, चेडर चीज 250 ग्राम। पेनी पास्ता को सिरके में उबालकर अलहदा रख दें, फिर एक देगची में मक्खन को गर्म करके मैदे को भूनें, जब मैदा भुन जाए तो चूल्हे से देगची उतारकर दूध शामिल करें, फिर नमक और काली मिर्च डाल दें, आपकी फाइट सॉस तैयार है। थोड़ी सी क्रीम शामिल करें, अलहदा रख दें, अलग से मुर्गी को मक्खन में सौते करें, साथ में नमक काली मिर्च भी शामिल करें, फिर मुर्गी में मशरूम शामिल करें या मुर्गी और मशरूम व्हाइट सॉस में शामिल करें और थोड़ी देर पकाएं, फिर पास्ता शामिल करें, जब एक जोश आ जाए तो पास्ते को एक कैसरोल डिश में निकालें, ऊपर से मोजरेला चेडा चीज डाल के 10 मिनट के लिए ओवन में 180 सेंटीग्रेड पे रख दें। मजेदार पेनी पास्ता तैयार है, पेश करते वक्त पास्ते से गार्निश करें। चिकन जालफ्रेजी, मुर्गी को बगैर हड्डी का आधा किलो या 1 किलो, नमक हसबे जायका, लहसुन स्लाइस 6 जबे, अदरक लंबी कटी हुई 1 अदद, हरी मिर्च बीज निकालकर या हरी मिर्च नहीं है ग्रीन पेपर्स बीज निकालकर 3 अदद, लाल मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, तेल हसबे जरूरत, मक्खन 50 ग्राम, प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 4 अदद। तेल में लहसुन को सौते करें, करने के बाद मुर्गी को अपने पानी में पकाएं और पानी खुश करके अलहदा रख दें, फिर एक पैन में तेल गरम करें, साथ में प्याज टोमेटो प्यूरी लाल मिर्च का पेस्ट शामिल करके पकाएं, फिर नमक काली मिर्च डाल दें, फिर मुर्गी को शामिल करें और स्टर फ्राई करें, फिर शिमला मिर्च डाल दें, मैंने यहाँ अलग से उनको सौते किया था तेल में, वो शामिल करें, दम पर मक्खन रख दें। मजेदार चिकन जालफ्रेजी तैयार। सीजनल फ्रूट जूस या पाइनएप्पल पीच मॉकटेल, पाइनएप्पल चंक्स 1 टिन, आड़ू स्लाइस 2 अदद, लीमू छिले हुए, लीमू का रस 1 लीमू का, पानी 2 कप, बर्फ क्यूब 20 अदद, चीनी 3-4 खाने के चम्मच, पुदीना गार्निश के लिए हसबे जरूरत। एक ब्लेंडर में पाइनएप्पल चंक्स, आड़ू, लीमू का रस, पानी, चीनी, बर्फ डालकर ब्लेंड करें, मजेदार जूस तैयार है। गार्निश के लिए पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करें।
जो सीवीओ पे गमलों की सेल लगती है ना अजी गमलों की सेल में से सोचे आप पेनी पास्ता पड़ा हुआ इधर और थैंक यू दिस ग्रेट और कैम टू कैम थ्री और कैम वन बट ये नाजीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया और बात ये कि ये प्रोग्राम एक घंटे का होता है और परेशानियां से पाकिस्तान में बहुत है हम सबको भी एक घंटे से भी कम का होता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि इन 40 मिनट्स में आपको थोड़ी सी जो है ना अच्छी आपको थोड़ा सा लाइट एंटरटेनमेंट दें और ये कि लाइट एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ हाई क्वालिटी जो है ह्यूमर जो है जो जिन लोगों को समझ आना होता है वो आ जाता है एंड क्यूजीन तो ये कि इसका मतलब नहीं कि हम लोग सोचते समझते नहीं है हम बड़े सीरियस किस्म की सोच रखने वालों में से हैं लेकिन आप लोगों का टाइम थोड़ा सा अगर आप लोग मुस्कुरा जाते हैं इस प्रोग्राम को देख के तो हमारा जो है वो काम पूरा हो जाता है थैंक यू सो मच आपका कल इंशाल्लाह 4 बजे मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर खुदा हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।